अस्सलामु अलैकुम। वल्दगी रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। और आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं नाश्ता। नया नाश्ता बनाएंगे आज हम ब्रेड से, बहुत आसान तरीके से। तो इसके लिए हमने ये ब्रेड लिए, 6 ब्रेड लिए हमने। इसमें से जितनी लगेंगी उतनी लगाएंगे, तो 6 ब्रेड आए। और ये अंडा लिया, और ये सामान लिया हमने। ये तो हमने चिकन है, ये चिकन है, ये देखो इस तरह से हमने तोड़ लिया है। ये चिकन को हमने इस तरह से तोड़ लिया है। ये पका हुआ चिकन होता है जो रात का, उसी की हमने बोटी निकाल के इसको हमने इस तरह से तोड़ा है। और ये बारीक बारीक हमने प्याज, टमाटर और धनिया, हरी मिर्च, ये सब हमने इसमें डाल दिए। ये मिर्ची भी डाल दी कूटी हुई, ओरिगानो और नमक सब मसाले डाल के ये रख दिया हमने, इसको तैयार कर लिया था पहले ही। और ये इसमें हम अंडा घोलेंगे अपना। तो इसमें भी हमने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, ओरिगानो और ये सब मसाले डाल के ये भी हमने रख लिया है। काली मिर्च पाउडर सब कुछ डाल दिया इसमें। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ये ब्रेड लिए, इसको हम इसको हम पहले से अच्छे से दबा के ऐसे बेलन से इस तरह से दबा देंगे, इसको अच्छे से बेल देंगे इसको। अब इसको हमने बेल लिया, इसको अलग रख देते हैं इस तरह। अब दूसरा ब्रेड भी हम बेल लेते हैं इस तरीके से, इस तरह से बेलेंगे, दबा के इस तरह से हम इसको बेल देंगे। देखो हमने इसको भी इस तरह से, ये ब्रेड जो हमने इस तरह से कर लिए, 4 करे हैं। अभी और बनाएंगे, अभी दिखाते हैं। पहले हम बना के दिखाते हैं। पहले हम इसको मिक्स करते हैं इस तरह से, और इसके अंदर भरेंगे हम ब्रेड के। अब इस पर हम ये रखते हैं इस तरह से, ये चिकन और ये प्याज सब कुछ हमने इसमें काट के डाला। ये हरी मिर्च भी है, और प्याज, टमाटर, हरा धनिया, ये सब डाल दिया। अब इस तरह से हमने रख दिया इसको। अब ये ब्रेड जो हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, जैसे लगा दी। अब इसमें हमने ये मैदे के घोल बनाया है, थोड़ा सा ये डाली मैदा 1 चम्मच। तो हमने 1 चम्मच ये मैदा इस तरह से घोल लिया है इसको, बस थोड़ा थोड़ा पतला रखा है पानी की तरह बिल्कुल भी। देखो अब इसको हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा लगाते हैं इधर 10 ब्रेड से, ऐसे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बहुत हल्का सा इस तरह से लगा देंगे इस पर। इस तरह से लगा दिया हमने। अब ये ब्रेड जो है हम इस पर रखते हैं, इसको दबा देंगे इस तरह से, और इसको हम इस तरह से इसको काट देंगे। देखो हमने इसको काट लिया, कटोरी को निकालते हैं। देखो इस तरह से ये बन गया। इसको हम निकाल के रखते हैं अलग साइड से। देखो कितना अच्छा बन गया है ना। इसको भी हम काम करेंगे, इसका भी मतलब इसे हम अभी देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे इसको भी। इसको इधर रख लेते हैं साइड से, और इसको भी रख देते हैं। अब हम दूसरा भी इस तरह से बनाएंगे, बनाते हैं। अब ये रख दिया हमने, इसमें भी हम इस तरीके से लगा देंगे। अब देखो दूसरा भी बना लिया हमने। अब देखो ये हमने बना लिए। अब ये ब्रेड है हमारी, हम इसको भी अभी बताएंगे कैसे बनाएंगे। देखो पूरा ये ब्रेड हमारी रखी है, इसको भी बना के दिखाएंगे अभी। और हमने ये देखो 3 बना लिए इस तरह से ही हम बनाएंगे, और भी बनाएंगे अभी अभी दिखाएंगे। पहले हम इसको तैयार करते हैं। अभी हमने बना लिए, देखो 4 बनाए हम इस तरीके से। अभी इसे दिखाएंगे, बनाएंगे, फ्राई करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको अंडा को तोड़ते हैं, इसमें डालते हैं प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब हमने, टमाटर इसमें काट के रखा था, इसमें हमने मिर्च, नमक सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें हम अपने अंडे तोड़ते हैं।
दो अंडे लिए हमने, और इस तरह से हम इसमें, अब इस अंडे को हम इस तरह से घोल लेते हैं। अब देखो ये तवा रख दिया हमने, इसमें हम तेल डालते हैं, ये रिफाइंड, बस इतने ही डालेंगे, एक बड़ा चम्मच, इसको गरम करते हैं। अब देखो ये तेल गरम हो गया, अब इसमें हम ये डालते हैं, पहले हम इसको सेकते हैं इस तरह से। देखो हमने इसे पलट दिया, इस तरह से इसको करारा होने तक सेकना है। देखो हमने ये दो रख दिए इस तरह से, बहुत करारे हैं, बहुत अच्छे, अभी दिखाएंगे आपको कितना करारा है। बहुत अच्छा बनता है ये नाश्ता, आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से, अब देखो कितने करारे हैं, आवाज़ आ रही है। अब इन्हें भी हम इस तरीके से सेक लेते हैं, देखो कितने अच्छे बने हैं, देखो कितने करारे, बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर चिकन है, बहुत बढ़िया लगेंगे खाने में, इतने टेस्टी हैं। अब हमने ये बना लिए, अब इसको हटाते हैं, दूसरा बनाते हैं हम, तो दूसरी ब्रेड जो हमने तैयार करी है उसको भी बनाते हैं। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, अब इसके अंदर जो हमने अंडा घोला है इसको हम डाल देते हैं। इस तरह से अभी इसको एक तरफ से सीखने देते हैं, फिर इसे हम पलट देंगे। अब इसको हम पलट देते हैं, अब इसे हम अच्छे से सेक लेते हैं करारा होने तक, देखो बहुत बढ़िया से, ये बीच में अंडा है, इस तरफ अंडा है, ये ब्रेड है, और ये भी देखो हमारा बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इस तरीके से बनाना आप भी, बहुत अच्छा नाश्ता बनता है, बहुत आसान, बच्चों को बना के दो लंच में, किसी मेहमान को भी खिलाओ बना के, बहुत अच्छा लगता है। अब हमने देखो दूसरा भी रख दिया, अब इस तरह से हम इसमें अंडा डालते हैं, डाल दिया हमने, अभी जो ब्रेड है हम इसके ऊपर ये रख देते हैं, इसको भी अब मीडियम गैस पे इसे हम इस तरह से सेक लेते हैं, पलट देंगे अभी। अब देखो ये बन गया, अब हमने इस पर दोनों ब्रेड इस तरह की से चिपका दी, अब देखो ये बन गया, अब देखो ये बन गया हमारा नाश्ता, कितना अच्छा, बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी। देखो इस तरीके से आपको हम दिखाते हैं कितना करारा, इसके अंदर चिकन है, बहुत टेस्टी है खाने में। अब देखो हमने इसमें बीच में ये अंडा है और इधर ब्रेड है, इतने करारे, बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी हमारे तरीके से बनाएं, आप भी हमारे तरीके से बनाना, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे वीडियो को, और हमें कॉमेंट में बताना हमारा ये नाश्ता कैसा था, आप भी हमारे तरीके से बनाएं। दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।